सरकार दे तो दी है, दे रहा है जी। क्या मामला है? ये मामला गांव मरडा टू छोटी का है, शहीद इकबाल अली उच्च माध्यमिक विद्यालय मरडा टू छोटी का मामला है। जो एक अध्यापक है कोई सुरेश कड़वासरा बिरानिया के हैं, वो 12 साल की लड़की है, छोटी बच्ची है, उसको गलत वीडियो गलत फोटोज वगैरह गलत मैसेज कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं और काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस के बहाने से नंबर वगैरह ले लिए और मैसेंजर पर और फेसबुक व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो कोतवाल थाने में आगे से सदर थाने में किस लिए आए हैं? रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए हैं और यही चाहते हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मतलब ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए मास्टर को। देखो टीचर अपने बच्चे टीचर को हम अपने बच्चे इसीलिए भेजते हैं कि वो उनकी सुरक्षा करे, उनकी देखभाल करे। अब ये रक्षक ही भक्षक बन रहे तो क्या होगा इनका, हम क्या करें, हम कहाँ जाएँ फिर, हमारा क्या होगा? हम उनके हवाले अपने भाई बच्चों को भेज रहे हैं, अपन भाई बहन को सबको भेज रहे हैं और वही उनके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, गलत हरकत कर रहे हैं। ये हरकतें 3-4 बार पहले भी कर चुके हैं और दो साल पहले बड़ी मरडा टू का यही मामला आया था उनका, तो वहीं से वो निकाले गए। काफ़ी दिनों से गलत हरकतें कर रहे हैं, ऊपर से धमकी दे रहे हैं लोग, धमकी भरे मैसेज करना तेरे को उठवा दूंगा, ये कर दूंगा, इनको ये ऐसे करते हैं, लेकिन बच्चों को धमकी दे रही है और परेशान क्लास चलती क्लास के अंदर साइड में ले जाकर गलत हरकतें करना, शिक्षकों को शोभा नहीं देते, जो बच्चे का निर्माण करते हैं उनकी उचित भविष्य की कामनाएं करते हैं, शिक्षक वगैरह ऐसी गंदी हरकतें करते हैं, उनको शिक्षक होना ही नहीं चाहिए। हमें तो यही मांग करता हूँ कि शिक्षक को निष्कासित कर दिया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजाएं मिले। आगे ऐसी सोच बना रखे कि बच्चों के साथ राजकीय विद्यालय में तैनात टीचर श्री सुरेश कड़वासरा द्वारा बच्चों के साथ अश्लील मैसेज और ये मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजे जा रहे हैं, जिस पे वहाँ पहुँचे तो उसको लेके आए, यहाँ मुकदमा दर्ज किया ग्रामीण की तरफ से और अनुसंधान किया जा रहा है उसके, पोक्सो एक्ट में छेड़छाड़ में आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है इसके खिलाफ। ऐसे जानकारी में है कि इसको 2 साल पहले भी ऐसे कोई गलत हरकत करने पर इसको हटाया गया था, लेकिन वापस इसको अभी 2 साल से वापस ये यहीं तैनात है। कौन से गाँव? ये बिरानिया गाँव का है, बिरानिया।